नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर ये दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको झारखंड राज्य में स्थित देवघर में घूमने के स्थान बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देवघर घूमने से पहले हम देवघर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि ये झारखंड का एक पवित्र हिंदू धर्म शहर है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम है। ये झारखंड राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है और काफी हद तक धार्मिक पर्यटन पर निर्भर करता है। जेसीडी जंक्शन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली पटना कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। देवघर हवाई अड्डा भी यहाँ आने का एक प्रमुख साधन है, जो देश दूर दूर शहरों को जोड़ता है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के पास कई होटल हैं, जैसे होटल ऋतिक, होटल मनुस्मृति आदि, जहाँ से मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, अब हम देवघर के पर्यटन की बात करें तो मुख्य रूप से ये शहर ज्योतिर्लिंग के वजह से जाना जाता है। साथ ही ये शहर नंदन पहाड़, त्रिकुटी पहाड़ और तपोवन पहाड़ जैसी कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है, जो मनोरंजन स्थल भी है। बाबा बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ 21 अन्य मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने शिवजी की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने शिवलिंग लंका पर स्थापित करने का वरदान मांगा। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस शर्त के साथ कि यदि मार्ग पर अगर रावण शिवलिंग को रख देगा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर परिस्थितियों के कारण शिवलिंग भूमि पर आ गया। रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उठा ना पाया और निराश होकर अपना अंगूठा शिवलिंग पे गाड़कर लंका चला गया। बाद में देवगण ने वहां पूजा अर्चना करके शिवलिंग की वहीं प्रतिस्थापना कर दी। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर मां पार्वती मंदिर से बंधा हुआ है, जिसमें विशाल लाल पवित्र हैं, जो शिव और भक्ति को दर्शाते हैं। भक्त बाबा धाम से प्रसाद के रूप में पेड़ा भी खरीद सकते हैं, जो देवघर की स्थानीय विशेषता है। वासुकीनाथ मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम की छोटी प्रतिकृति है। ऐसा माना जाता है बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक यहां दर्शन न किया जाए। ये मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गाँव के पास स्थित है, जहाँ कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। हालांकि इस मान्यता का पुराणों में वर्णन नहीं है और ये हाल में ही प्रचलित हुई है। त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पहाड़ देवघर की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ पर्यटक ट्रैकिंग, रोपवे, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है, जो तीर्थ यात्रा का स्थान भी है। चढ़ाई पे त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम भी है। यहाँ 3 चोटियों में सबसे ऊंची चोटी 2470 फीट की ऊंचाई तक जाती है। रोपवे पर्यटकों को मुख्य शिखर के शीर्ष तक ले जाता है, जहाँ से देवघर का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। नंदन पहाड़, नंदन पहाड़ शहर के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है, जहाँ एक प्रसिद्ध नंदी मंदिर और शिव मंदिर है। ये बैद्यनाथ धाम स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है जब नंदी भगवान शिव के द्वारपाल थे, तब रावण जबरन शिवधाम में प्रवेश करना चाहता था, पर नंदी के रोकने के कारण रावण ने क्रोध में नंदी को नीचे फेंक दिया, जो एक पहाड़ था, और इस वजह से इस पहाड़ का नाम नंदन पहाड़ पड़ा। यहाँ नंदन हिल एंटरटेनमेंट पार्क भी है, जो तैराकी, नौका विहार, पिकनिक आदि व्यवस्थाओं के साथ शोभित है। पर्यटक इस पहाड़ से सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। नौलखा मंदिर, ये बैद्यनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। ये मंदिर बेलूर में रामकृष्ण के मंदिर जैसा दिखता है। इसके अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। इसकी ऊंचाई 146 फीट है। इसकी लागत 9 लाख रुपए थी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। इसे रानी चारुशीला ने संत बालचंद के कहने पे बनवाया था, जो कोलकाता के पथुरिया घाट राजा के परिवार से ताल्लुक रखती थी। तपोवन गुफाएं, तपोवन देवघर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां एक पवित्र शिव मंदिर है, जिसे तपोवन महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अलावा इस स्थान पे कई गुफाएं हैं, जिसमें एक गुफा में शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने यहां तपस्या की थी। अगर आप देवघर आने का मन बना रहे हैं तो तपोनाथ महादेव मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें।